आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस द्वारा किसान महापंचायतों का दौर जारी है। ऐसे में पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी अब राज्य में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और महापंचायतों के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वे 19 फरवरी को कोटखावदा में बड़ी किसान महापंचायत रखी गई है जिसमें वे शामिल होंगे। सचिन पायलट खेमे द्वारा लगातार जगह जगह किसान महापंचायतों के आयोजन के जरिए शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। अब 19 फरवरी को कोटखावदा में बड़ी किसान महापंचायत रखी गई है। चाकसू विधायक और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव वेद सोलंकी द्वारा इस किसान महापंचायतों का आयोजन रखा गया है। सोलंकी ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि हजारों की संख्या में किसान इस महापंचायत में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आह्वान के तहत इस किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में वह किसान महापंचायत रखी जा रही है। गौरतलब है कि वेद सोलंकी सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं। महापंचायत में सचिन पायलट खेमे के कई विधायक शामिल होंगे। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के बाद में कांग्रेस की ये पहली किसान महापंचायत होगी। इससे पहले सचिन पायलट खेमे द्वारा दौसा और भरतपुर में किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा चुका है। राहुल गांधी की सभा के दौरान हुए दो वाक्य भी इन दिनों चर्चा में है। पहला वाक्य खाट टूटने का, जो कि चर्चा में बना हुआ है। साथ ही सचिन पायलट समेत अन्य नेताओं को ट्रैक्टर रैली के दौरान मंच से उतारने का भी मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। सचिन पायलट खेमे का मानना है कि इन घटनाओं का उनके ही फायदा मिलेगा और किसान उनके साथ ज्यादा संख्या में जुटेंगे।